तो व्यू में हमारे देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो व्यू में आप देख सकते हैं, मतलब आप जो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे चित्र एंड फाइल दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लार्ज में देखना चाहते हैं या मीडियम साइज में देखना चाहते हैं, स्मॉल आइकन में देखना चाहते हैं। तो जिस आइकन में हम देखना चाहते हैं तो उसमें हम, जैसे हम मान लीजिए स्मॉल में देखना चाहते हैं, अभी लार्ज पे है, देखिए यहाँ पे टिक हुआ है, तो ये लार्ज पे है तो बड़ा आपको आइटम दिखाई दे रहा, तो आप अगर मान लीजिए हम स्मॉल कर देते हैं तो छोटे आइटम में आपको दिखाई देने लगे, देखिए आपका छोटा हो गया। फिर अगर इसको बड़े आइकन देखना चाहते हैं तो व्यू जा करके आप यहाँ पे लार्ज आइकन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बड़े आइकन में दिखाई देने लगेगा। फिर जाते हैं हम राइट क्लिक करते हैं और व्यू पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला ऑप्शन ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आइकन्स हमारा, जैसे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पर रखेंगे तो नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब ये होता है राइट क्लिक करेंगे और ऑटो अरेंज का यहाँ पर चेक का निशान हटा देंगे तो आप इस मैटर को आप कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है ऑटो अरेंज आइकन का मतलब ये होता है कि हम ऑटो अरेंज करना, मतलब अपने मैटर को सूचीबद्ध में रखना, उसे ऑटो अरेंज कहा जाता है। तो हम ऑटो अरेंज कर देते हैं, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पर जगह जगह पर रखे हुए हैं तो हम ऑटो अरेंज करते हैं तो क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आइकन इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब सूचीबद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, व्यू में जाते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइटम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपका चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र आपका जो है नहीं दिखाई देगा, तो सो डेस्कटॉप आइटम जो चेक का निशान लगा है हटा दीजिए। जैसे ही हटाएंगे आपका डेस्कटॉप का मैटर जो आपका फाइल प्रोग्राम होता है वो आपका हट जाएगा, मतलब छिप जाएगा। फिर पुनः लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और व्यू पर जाएंगे, हम यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप इस तरह से आपका आ जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर अगला राइट क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, फिर अगला ऑप्शन देखते हैं शो गजेट्स। शो डेस्कटॉप गजेट्स क्या होते हैं, गजेट्स का मतलब ये होता है, देखिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा गजेट्स। गजेट्स में आपको कुछ आइकन्स मिलेंगे जो आपको कुछ आपको देखने के लिए होता है, मतलब जैसे अगर बात करते हैं या कैलेंडर की या क्लब की या सीपीयू मीटर की करेंसी, ये सब आपका न्यू मतलब न्यूज़ देने के लिए, न्यूज़ पाने के लिए नया नया यहाँ पर देखेंगे, फीड हेडलाइंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका अगर इंटरनेट चलता है हमेशा आपके कंप्यूटर में तो ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, अगर नहीं चलता है तो आपका जो प्रेजेंट में है वही दिखाई देगा। जैसे अगर बात किया जाए घड़ी, अगर हम यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक करते हैं और ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड करते हैं यहाँ पे आपका आपका घड़ी दिखाई देने लगता है, तो घड़ी अगर दिखाई देने लगा तो आपका प्रेजेंट में जो बज रहा है, जैसे यहाँ पर नीचे देखेंगे टास्क बार के राइट साइड में 11:21 हो रहे हैं तो 11:21 यहाँ पर भी आपका दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गजेट्स का आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग का निशान दिया रहता है, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन से दिखाई देते हैं कुछ, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 से लेकर 8 तक आपको आइकन्स होते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं बगल में साइड में देखें नेक्स्ट करते हैं, जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तब चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा। तो इस तरह से आपके जो आपको यहाँ पर रखना चाहते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप ओके कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस घड़ी के अंदर अपना नाम भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लक नेम करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी नाम का टाइप कर दें, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं जय श्री राम या श्री राम के नाम से हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, तो यहाँ श्री राम लिखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं देखिए हमारे यहाँ पर नाम पे भी है और हमारा वॉच भी, हमारा क्लक भी आपको प्रस्तुत किया गया है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका गजेट्स होता है, ये गजेट्स होता है, यहाँ पर इस तरह से हम गजेट्स बहुत सारे ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर आप अगला ऑप्शन जाते हैं, देखिए यहाँ गजेट सब हो गया। फिर आगे जाए सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का मतलब क्या होता है, नेम साइज आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। यहाँ पे कहने का मतलब नेम क्या होता है, नेम यहाँ मतलब जो आपका जो आइकन्स दिखाई दे रहा है फाइल प्रोग्राम रखे गए हैं वो आपका नेम के अनुसार, जैसे ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक सूचीबद्ध करना, इसे नेम के अनुसार होता है। साइज के अनुसार, जैसे जिस तरह से बड़ा छोटा साइज में होगा, जैसे आपका कितने के बी का ये है, कितने के बी का वो है, तो उस तरह से छोटे साइज से बड़े साइज तक रखा जाता है यहाँ पर। आइटम टाइप, आइटम टाइप का मतलब होता है जो पहले हुआ है तो पहले आएगा, जो बड़ा है और जो बाद में आया था वो बाद में रखा जाएगा, आइटम टाइप होता है। डेट मॉडिफाइड का मतलब होता है जिस डेट, जैसे मान लें पहले डेट वाला पहला रहेगा, दूसरे डेट वाला दूसरे टाइप का, उस तरह से सूचीबद्ध करना चाहते हैं तो सॉर्ट बाय पे आप करके कर सकते हैं। रेफ्रेश क्या होता है, कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है कम काम करता है, तो रेफ्रेश करने से हमें हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इस तरह से करके फ्रेश करना, कंप्यूटर को फ्रेश करने का काम करता है, रेफ्रेश कहा जाता है।
अब देखिए अभी अगला पेस्ट नहीं काम कर रहा, पेस्ट इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि कॉपी या कट किया गया मैटर ही पेस्ट होता है। तो अभी कॉपी या कट कोई मैटर नहीं किया गया इसलिए पेस्ट नहीं ऑप्शन तो शो करना हो तो आप क्या करेंगे, इस सूबेदार फाइल को हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और इस पर हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी करते हैं फिर बाहर आकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा पेस्ट ऑप्शन शो करने लगता है। जैसे ही पेस्ट ऑप्शन शो करने का हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो इसका कॉपी आपका तैयार हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम आपको बताएं कि कोई मैटर अगर रखना चाहते हैं इस फोल्डर में तो हम क्या करेंगे, उस मैटर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वी दबाते हैं और हमारे यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं इसके, फिर राइट क्लिक कर देते हैं। अगला ऑप्शन होता है हमारा पेस्ट शॉर्टकट होता है, करने का मतलब पेस्ट की तरह ही काम करता है पेस्ट शॉर्टकट भी। अंडो मतलब कॉपी किया गया, अंडो मतलब तुरंत किया गया कार्य वापस लाना, तो कहने का मतलब जो पेस्ट किया गया वो मैटर गायब हो जाएगा अंडो करने से, या इसी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल जेड। अब उसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड सेट किया जाता है, जो बैकग्राउंड आपका प्रेजेंट में दिखाई दे, जो देखिए बैकग्राउंड जो पीछे दिखाई दे रहा है इसे चित्र दिखाई, इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट बैकग्राउंड, जैसे क्लिक करते हैं आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होता है। न्यू आपको हम बता दिए, न्यू फोल्डर करना या फिर अदर प्रोग्राम्स, अगर प्रोग्राम कोई जोड़ना चाहते हैं अपने पेज पर तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पेज पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर राइट क्लिक करते हैं, जैसे ही राइट क्लिक करते हैं आपको अगला ऑप्शन हो जाता है स्क्रीन रेजुलेशन। स्क्रीन रेजुलेशन का मतलब होता है जो आपका स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे बड़ा और छोटा करना, कहने का मतलब कैसे देख लेते हैं। स्क्रीन रेजुलेशन पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1024x768। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो, जो आपको पसंद है जो आपको सही लगे उस पर आप क्लिक करके आप अपना सेट कर सकते हो। तो हमें अभी नॉर्मल में हम यही रहना है तो हम यही रहने देंगे और ओके कर देंगे, हमारा यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं गजेट, सबने आपको बता दिया पर्सनलाइज आ जाता है। पर्सनलाइज क्या होता है, अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड चेंज करना। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे यहाँ पर आ जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखिए पहला आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ जाता है, विंडोज़ कलर आ जाता है, साउंड हो जाता है और स्क्रीन सेवर हो जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर, जैसे ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो कुछ फोटो आपको दिखाई दें, जो फोटो आप सेट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कौन सा पसंद है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बैकग्राउंड पसंद है, या फिर मान लीजिए अगर और भी अगर विंडोज़ बैकग्राउंड पसंद है तो ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ से भी ये सब हम यहाँ से सारे फ़ोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से वॉलपेपर या एक वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप मान लीजिए आपको कोई बैकग्राउंड पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कर, जैसे हमें क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, सेव पर क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर पर्सनलाइज जाते हैं। यहाँ पे अगला विंडोज़ कलर होता है, विंडोज़ कलर करने से क्या मतलब, यहाँ पे कलर देखिए यहाँ पे कलर अलग है तो हम जो मान लीजिए यहाँ पे पिंक कलर करना चाहते हैं तो पिंक कलर कर देंगे, ऐसे गहरा करना चाहते हैं तो यहाँ से गहरा भी कर सकते हैं, और ऐसे हल्का करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट में हल्का भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितना किस तरह से करना चाहते हैं, और सेव कर देंगे तो वही आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला जाते हैं साउंड पर। साउंड हमारा लगा होता तो हम यहाँ पे साउंड आपको दिखाते हैं, तो साउंड लगा नहीं है इसलिए साउंड यहाँ पे साउंड सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जाते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कुछ देर तक अगर स्टैंड बाई कर देंगे तो आपका इस तरह से स्क्रीन सेवर, जैसे प्रीव्यू करके हमको आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए कुछ देर तक स्टैंड रहेगा तो इस तरह से आपका दिखाई दे, कितने कुछ देर तक मतलब यहाँ 6 मिनट, मतलब मिनट दिया है, वेट आपको 6 मिनट करना होगा तब जाके इस तरह से। तो यहाँ पे आप स्क्रीन सेवर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर बबल्स भी कर सकते हैं, इस तरह से हम बबल कर सकते हैं या फिर फ़ोटो रख सकते हैं या फिर मास्क यू कर सकते हैं, जो आपको करना हो उस तरह से हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए रिबन्स कर सकते हैं, रिबन्स में हमें प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ये रिबन्स हमारा इस तरह आ जाता है। अगर नाम लिखना चाहते हैं 3D पे जाएंगे और यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे कपिल देव यहाँ पे लिखा गया है, तो कपिल देव लिखने के बाद ओके कर देंगे हम। जैसे हम ओके करते हैं फिर इस तरह से दिखाई देता है और हमारा हम देख सकते हैं हमारा कौन सा है, यहाँ पर प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से जो है स्क्रीन सेवर आपका, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कुछ देर तक स्टैंड करते हैं तो इस तरह से हमारा दिखाई देगा।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कि सारी जानकारियाँ जो हमने आपको दिया है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई अगर जानकारी आपको नहीं आती हो, या बीच में कहीं आपको मिस्टेक नज़र आ रहा है, या कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वीडियो का पूरा आपके कमेंट्स का जवाब दूं और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ। विश यू ऑल दोस्तों, थैंक यू। मैं जाते जाते हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।